ओगरा का गैर मयारी सिलेंडर्स की फरोख्त और एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए गए। ओगरा ने गैर मयारी एलपीजी सिलेंडर्स की खरीद और फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 50 डिस्ट्रीब्यूटर को एलपीजी फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। एलपीजी के कारोबार के नए जाब्ता अखलाक बना दिए गए और मोनिटरिंग के तमाम तर अख्तियार डीसी और एसी के पास होंगे। ओगरा का गैर मयारी सिलेंडर्स की खरीद और फरोख्त और एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 313 एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज और 19 सिलेंडर बनाने वाले कंपनीज को नोटिसेस जारी कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं तालिब फरीदी से। जी तालिब, बिल्कुल जी, पहली मर्तबा हुआ है कि ओगरा ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है जो लाइसेंस याफ्ता हैं, मगर वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को गैस सेल कर रहे थे जिनके पास लाइसेंस नहीं था। और यही वजह थी गैर मियारी सिलेंडर की वजह से आए रोज जो थे हादसात हो रहे थे। सिर्फ पंजाब में 1.5 लाख से ज्यादा दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए ओगरा ने उनको बंद किया है कि वो वहां पे सिर्फ उन लोगों को गैस सेल कर सकेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। अगर ओगरा की टीमों ने छापा मारा और वहां से कोई ऐसी चीज बरामद हो गई कि इन्होंने एसओपी को फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये इख्तियार ओगरा ने तमाम सूबाई हुकूमतों के जिले इंतजामियों को भी दे दिए हैं। डीसी और एसी को भी हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर इस कानून पर अमल दरामद करें और जो दुकानदार भी अंडर लाइसेंस काम नहीं कर रहा या सिलेंडर बनाने वाली कंपनियां उसको फॉलो नहीं कर रही उसके खिलाफ जो ओगरा का कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए ओगरा को रिपोर्ट करें। और साथ साथ उन्होंने पुलिस को भी कहा है कि पंजाब पुलिस और तमाम सूबाई पुलिस को भी कहा है कि वो भी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं अगर वो ये देखते हैं कि कोई ऐसी दुकानें हैं जहां पे एसओपी को फॉलो नहीं किया गया तो वो भी कार्रवाई करें। जी सही, तालिब आपका शुक्रिया।